हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी जेई की एक और नई भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जूनियर इंजीनियर के 13,000 के लगभग खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर जेई, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट डीएमएस और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए के खाली पदों को भरने के लिए यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 13,000 के लगभग है। डेट की अगर बात करें तो आप जून 2024 से जुलाई 2024 के बीच में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको 35,400 रुपये प्रति महीना के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, या फिर उनके पास PGDCA, BSc, BCA या फिर BTEC की डिग्री होनी जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। आयु सीमा आपकी 18 से 33 साल के बीच में रखी गई है। फीस यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट और OBC को 500 रुपये जमा करानी होगी। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट को 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। यहां पर आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो कुछ इस तरह से होगा, उसका एग्जाम पैटर्न इस तरह से रहेगा। आपसे मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स आपको अलॉट कराए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स आपको अलॉट कराए जाएंगे। जनरल साइंस सब्जेक्ट से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टोटल यहां पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स उनके लिए आपको अलॉट कराए जाएंगे। 90 मिनट का समय यहां पर आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, CBT फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट में। और CBT 2 जो आपका एग्जाम पेपर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स दिए जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही मार्क्स आपको अलॉट कराए जाएंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क आपको अलॉट कराए जाएंगे। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल सब्जेक्ट से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स से आपको अलॉट कराए जाएंगे। टेक्निकल एबिलिटी से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 185 मार्क्स यहाँ पर आपको इनके लिए अलॉट कराए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर के लिए कंडक्ट होगा। इस CBT 2 एग्जाम आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको अपना CBT 2 एग्जाम पेपर सोल्व करना होगा। तो दोस्तों, इस एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक कर लेना है। ऑनलाइन आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, वो भारत के किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailway.gov.in। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और उसमें से पूरी डिटेल आपको रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी फॉर्म फिल करते हुए। फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना रेलवे आरआरबी जेई की इन पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।